बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। साद व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक बयान जारी हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से अवाम में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करने का उन्होंने सख्ती से नोटिस ले लिया है। और जो उनका बयान जारी हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से अवाम में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करने का सख्ती से नोटिस ले लिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क सफारतखानों और सफारती अमले को भी इस अमल से आगाह किया है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ों की मनसूखी की खबरों की जो है वो तरदीद की है। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी साद बिन अयूब का कहना है कि अथॉरिटी की जानिब से किसी परवाज़ की इजाज़त को मनसूख नहीं किया गया। करोना वायरस की वजह से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने NCOC की हिदायत पर 5 मई 2021 से पाकिस्तान आने वाली बैनुल अक्वामी परवाज़ों को 20% मुसाफरों के साथ ऑपरेशन की इजाज़त दी थी, जिसमें अब 15 जुलाई 2021 तक तौसी कर दी गई है। तर्जुमान का कहना था कि 1 जुलाई से सिर्फ बरतानिया, कैनेडा, यूरोप, मलेशिया और चीन से बराह रास्त बैनुल अक्वामी परवाज़ों के ज़रिए 40% मुसाफरों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई है। साद बिन अयूब ने बताया कि गैर मुल्की एयरलाइंस ने मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों पर मुसाफरों की ज़्यादा बुकिंग का नोटिस लिया है, ताहम सिविल एविएशन अथॉरिटी का परवाज़ों को मनसूखी और ओवर बुकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। परवाज़ों की मुअत्तली और बुकिंग की जो ज़िम्मेदारी है वो मुतल्लिका एयरलाइंस पर आयद होती है। तो ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बयान था, जिसमें उन्होंने कहा है कि परवाज़ों की जो मुअत्तली और बुकिंग की ज़िम्मेदारी होती है वो मुतल्लिका एयरलाइंस पर आयद होती है, ना कि सिविल एविएशन पर। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद यहाँ पर यह बताता चलूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के बिल्कुल हक़ है कि वो एयरलाइंस के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं। और यानी अगर कोई एयरलाइन कोई ख़िलाफ़ वर्जी करती है तो सिविल एविएशन जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। मज़ीद ये कि आपको पता है कि मंगल के रोज़ सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से नई गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिनके मुताबिक सी कैटेगरी में शामिल ममालिक से आने वाले पाकिस्तानी मुसाफरों को जो है 72 घंटे पहले करोना टेस्ट करवाना होगा, जबकि गैर मुल्की मुसाफरों पर पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। और मज़ीद ये कि तमाम मुसाफरों का एयरपोर्ट पहुंचने पर रैपिड जो है PCR टेस्ट किया जाएगा, जबकि 14 रोज़ घर में करंतीना करने की पॉलिसी भी उस पर भी अमल दरामद करना पड़ेगा। नए हिदायतनामे के बाद कैटेगरी सी में शामिल ममालिक से पाकिस्तानी जो मुसाफिर हैं बग़ैर इजाज़त नामे के पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। ये सिविल एविएशन का मंगल के रोज़ एक नोटिस जारी हुआ था, उसमें उन्होंने सी कैटेगरी ममालिक के हवाले से भी एक अपनी हिदायत जारी की थी और उन्हें कहा था कि जो सी कैटेगरी ममालिक में पैसेंजर्स हैं शामिल हैं, अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो NCOC से इजाज़त लेना होगी, फिर उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।